चलिए गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आज हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये, ठीक है। ऐसे ही आपका इसके बाद एक और टॉपिक आएगा आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एमाइड, ठीक है। एमाइड का हाइड्रोलिसिस आएगा तो वो भी बिल्कुल इसी पैटर्न पे चलेगा। एक का हाइड्रोलिसिस आपको समझ में आएगा, दूसरे को समझने में आपको जस्ट 5 मिनट लगेगा, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ये होता है ना एस्टर, R C डबल बॉन्ड O O R डैश, ठीक है। तो एस्टर का जो हाइड्रोलिसिस होता है वो दो डिफरेंट टाइप का हो सकता है, ठीक है। एक होता है एसिड कैटलाइज्ड और एक होता है आपका बेस कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो एस्टर हाइड्रोलिसिस कितने टाइप का होता है आपका? दो टाइप का होता है, एक एसिड कैटलाइज्ड एस्टर हाइड्रोलिसिस होगा और दूसरा होता है आपका बेस कैटलाइज्ड एस्टर हाइड्रोलिसिस, ठीक है। एक हमारा ये भी होता था, आपने यदि पहले कभी पढ़ा होगा, तो आर सी ओ ओ एच कार्बोक्सिलिक एसिड की यदि हम रिएक्शन करते हैं आर एस ओ एच के साथ, तो यहां से आर सी ओ ओ आर एस बनता है एस्टर, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये क्या हुआ, ये एस्टरीफिकेशन प्रोसेस है, ठीक है। एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन किया तो आपका क्या बनेगा, एस्टर। तो ये कहलाता है एस्टरीफिकेशन। और एस्टर का आपने हाइड्रोलिसिस किया तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, यहां OH और यहां H, तब भी एसिड और अल्कोहल बनेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एस्टर हाइड्रोलिसिस हुआ और ये एस्टरीफिकेशन प्रोसेस हुआ। दोनों में कंफ्यूजन नहीं रखना है, एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन से एस्टर बनने का प्रोसेस एस्टरीफिकेशन, एंड एस्टर को हाइड्रोलाइज करा करके H2 के थ्रू डिकम्पोज करा करके एसिड एंड अल्कोहल क्रिएट करने का फिनोमेना, दैट इज एस्टर हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो अब ये जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन से एस्टर बनने का प्रोसेस होता है, ये ऑलवेज क्या होता है, आपका एसिड कैटलाइज्ड प्रोसेस होता है, ठीक है। ये प्रोसेस एसिड कैटलिस्ट की ही प्रेजेंस में हो सकता है, लेकिन ये जो प्रोसेस है वो एसिड कैटलिस्ट एज वेल एज बेस कैटलिस्ट दोनों की प्रेजेंस में हो सकता है। तो इससे आपको एक कंक्लूजन क्या दिख रहा है कि जो आपका एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है वो रिवर्सिबल है, कैसे, क्योंकि इनकी रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में करके एस्टर बन रहा है और एस्टर का हाइड्रोलिसिस कर करके एसिड और अल्कोहल बन रहा है, तो रिवर्सिबल तो हुआ। तो एसिड कैटलाइज हाइड्रोलिसिस एंड एसिड कैटलाइज एस्टरीफिकेशन बोथ आर रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। और दूसरी चीज हम कहेंगे कि आपका जो एस्टरीफिकेशन है वो बेस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में नहीं हो सकता है, लेकिन जो एस्टर का हाइड्रोलिसिस है वो बेस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बेस कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है, लेकिन ये एस्टर का हाइड्रोलिसिस एसिड की प्रेजेंस में करता है तो वो रिवर्सिबल है, ठीक है। तो अब इसको मैं डिफाइन करता हूं कि ये क्यों आपका बेस कैटलाइज्ड एस्टरीफिकेशन नहीं हो सकता है। मैंने कहा एस्टरीफिकेशन एक ही तरीके से हो रहा है एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, बेस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एस्टरीफिकेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। लेकिन एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एस्टरीफिकेशन भी हो जा रहा है, एस्टर का हाइड्रोलिसिस भी हो जा रहा है, ठीक है। तो पहले तो हम एक इसी कंसेप्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। आर सी ओ ओ एच कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें ये कार्बन पर, इसको आप कार्बोनिल टाइप का कार्बन कह सकते हैं, ये पार्शियल नेगेटिव है, ठीक है। तो ये कहता है कि जब हम इस पर रिएक्शन करते हैं किसकी, आर डैश ओ एच एल्कोहल की, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड पर इसका ऑक्सीजन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करके तब जाकर के ये रिएक्शन देगा आपका एस्टर फॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन हमने कहा कि अल्कोहल्स आर वीक नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अल्कोहल कैसे हैं, वीक नेचर के न्यूक्लियोफाइल होते हैं, और यहां पे जो कार्बोनिल कार्बन होता है ये भी वीक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये डेफिशिएंट सेंटर है ना, तो इलेक्ट्रोफिलिक हुआ तो, लेकिन वीक नेचर का इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो ये वीक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और ये वीक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, तो आपका क्या है, ये वीक न्यूक्लियोफाइल वीक इलेक्ट्रोफाइल के साथ इजीली रिएक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसीलिए आपने क्या करना पड़ा,
यहां पे एसिड कैटलिस्ट डालना पड़ा, तो एसिड कैटलिस्ट डालेंगे तो क्या होगा, देखो ये, तो जैसे ही हमने इसमें ये किया, देखिए H+ डाला ना भैया, तो H+ डालेंगे तो इसके पास जो लोन पेयर है एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, R C डबल बॉन्ड O, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इसके साथ बॉन्ड बना लिया खुद, और OH हो गया, यहां भी OH इतना बन गया। अब हमारा जो कार्बन, जो कार्बन है, जो ये वाला कार्बन था, ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक बन गया भैया। मोर इलेक्ट्रोफिलिक कैसे हो गया, पहले ऑक्सीजन न्यूट्रल था, अब ऑक्सीजन प्लस फॉर्म में आ गया, प्लस फॉर्म में आने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर गया इसका, बढ़ गया, तो नीचे से इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा विड्रॉ कर रहा होगा, तो यहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रोफिलिसिटी की चांसेस क्या हो गए, और ज्यादा हो गए। तो अब आसानी से वीक नेचर का जो न्यूक्लियोफिलिक अल्कोहल था वो इस पे अटैक करके आगे के रिएक्शंस को दे सकता है, इसीलिए एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एस्ट्रिफिकेशन कराया जाता है। तो एस्ट्रिफिकेशन एसिड कैटलिस्ट में कराने का रीजन समझ में आना चाहिए कि आपका क्या है, ये वीक न्यूक्लियोफिलिक है, ये वीक इलेक्ट्रोफिलिक है, ठीक है, तो ये आसानी से आपस में रिएक्शन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपने एसिड कैटलिस्ट को डाल करके ये पॉजिटिव बनाया, तो पॉजिटिव बनाने से ये विड्रॉ करेगा, तो यहां इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, खींचेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा ना, पॉजिटिव बनना मतलब इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगा, तो अब वीक न्यूक्लियोफाइल आसानी से रिएक्शन कर जाएगा, तब आगे की रिएक्शन हो पाएगा, ठीक है। अब मैं ये दिखा रहा हूं कि ये बेस की प्रेजेंस में क्यों नहीं ये काम हो पा रहा है, जरा देखो आर सी ओ ओ एच, अब आपने डाला इसमें क्या, बेस कैटलिस्ट डाल दिया, तो बेस एच प्लस निकालेगा ना एसिड से, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव बन गया भैया। अब नेगेटिव बनने से क्या दिक्कत हो गई भैया, जिसके ऊपर प्लस होता है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो विड्रॉ करेगा, नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन देगा ना दूसरे की ओर को, इलेक्ट्रॉन देगा तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी फर्दर डिक्रीज कर जाएगा, जितना था इलेक्ट्रोफिलिसिटी और भी कम हो जाएगा, ये क्या है नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज जिसके पास होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो दूसरों की ओर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, तो आपका यहां इलेक्ट्रॉन इसकी ओर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, तो यहां पर डेफिशिएंसी कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहां प्लस था तो विड्रॉ कर रहा था, तो डेफिशिएंसी बढ़ रहा था, मतलब इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ रहा था, यहां इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज हो जा रहा है, इसलिए बेस डालने से और नुकसान हो जाएगा, फायदा ना होने के बजाय नुकसान हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपने क्या है बेस कैटलाइज एस्ट्रिफिकेशन नहीं कराया जाएगा, लेकिन एस्टर हाइड्रोलिसिस होगा बेस कैटलाइज, अभी उसको डिफाइन करेंगे, इतनी बात समझ में आया ना। तो अब हम आते चलिए, इतना तो आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको आ जाना चाहिए कि एस्टर का हाइड्रोलिसिस दो तरह का होता है, और जो एसिड कैटलाइज एस्टर हाइड्रोलिसिस है वो क्या है, एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन से जो एस्ट्रिफिकेशन होता है, एसिड कैटलाइज एस्ट्रिफिकेशन उसका रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, लेकिन जो बेस कैटलाइज एस्ट्रो क्या है एस्टर हाइड्रोलिसिस है वो आपका क्या है रिवर्सिबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसको आपने ऐसे डिफाइन कर लिया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, देखिए अब मैं डिफाइन करता हूं एसिड कैटलाइज एस्टर हाइड्रोलिसिस एंड बेस कैटलाइज एस्टर हाइड्रोलिसिस का वन बाय वन मैकेनिज्म डिफाइन कर देंगे, तो देखिए कैसे होगा। ये पहले हम एसिड कैटलाइज में आते हैं, ठीक है, उसके लिए भी हम पहले जस्ट दो अपोजिंग प्रोसेस लिख देते हैं, एस्ट्रिफिकेशन दिखाऊंगा तो एस्टर हाइड्रोलिसिस का रिवर्सिबल है वो अपने आप समझ में आ जाएगा, देखिए रिवर्सिबल दिखाना है सारे स्टेप्स, H+ कैटलिस्ट वाला H+ है, ऑप्शन अभी मैंने बोला लोन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, R C डबल बॉन्ड O H, यहां क्या हो जाएगा ये तो OH बने रहेगा, ये हो जाएगा प्लस चार्ज, ठीक हो गया। अब इस पे कौन रिएक्शन करेगा भैया, अब आपका आएगा अल्कोहल O H एंड R डैश, ऐसे लिख लो उसको, इसके पास लोन पेयर है ना, तो ये अपने लोन पेयर के थ्रू अब अटैक कर सकता है, क्योंकि वीक न्यूक्लियोफाइल है लेकिन ऑक्सीजन पे प्लस होगा तो विड्रॉ कर रहा है, तो यहां इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई तब अटैक करेगा, तो ये टूटेगा ऊपर को, तो क्या बनेगा आर सी, ऊपर तो न्यूट्रल हो गया ना ओ एच, ये भी ओ एच, नीचे ओ एच आर और आर डैश, और ये कैसा हो गया पॉजिटिव, क्यों ये टूटेगा प्लस, एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिया एक एक का बॉन्ड, खुद का इलेक्ट्रॉन उसको देख के बॉन्ड बना रहा है, इसलिए खुद पॉजिटिव हो गया। अब अगले स्टेप में क्या होगा, देखिए भैया ये ऑक्सीजन पे प्लस है तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो खुद न्यूट्रल हो जाएगा, H+ निकला, यहां जो ऑक्सीजन है मैं एक साथ लिख दे रहा हूं, दो स्टेप भी दिखा सकते हैं, माइनस प्लस H+, एक जगह से H+ निकला, उस H+ को इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे करके OH2 पॉजिटिव में आर सी ओ एच, यहां क्या बनेगा OH2 पॉजिटिव, और यहां नीचे वाला तो न्यूट्रल हो गया ना ओ आर एस, ठीक हो गया।
अब क्या होगा भैया, देखिए इसके बाद ऑक्शन के पास लोन पेयर, ये ऑक्शन के पास प्लस है, प्लस जिसके पास होता है तो वो क्या होता है ऑक्शन गुड लिविंग होता है, ये टूटेगा, ये यहां से बैक साइड से अटैक करेगा, H2O निकालेगा, माइनस क्या निकला H2O, इधर को टूटा तो नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल H2O निकालेगा, तो प्लस एक इलेक्ट्रॉन देकर वो बॉन्ड क्रिएट करेगा, डबल बॉन्ड बना देगा O H, ये कैसा हो गया पॉजिटिव, इसको आगे लिख लो O RS, ठीक है ना। और फाइनली क्या होगा, स्टार्टिंग में आपने क्या डाला था एसिड कैटलिस्ट, सपोज H2SO4 डाला था तो उसका H प्लस यूज हुआ ना, उसका H प्लस ही तो यूज हुआ H2SO4 का, HSO4 नेगेटिव तो बचा होगा, वही बेस की तरह बिहेव करके यहां से H प्लस को रिमूव करेगा, तो ये निकला H प्लस, तो ये बन जाएगा R C डबल बॉन्ड O O R S, एस्टर बन गया आपका, ठीक है। ये तो एसिड कैटलाइज्ड एस्ट्रिफिकेशन है, जस्ट इसका अपोजिट होगा एसिड कैटलाइज्ड एस्टर हाइड्रोलिसिस, अभी दिखाऊंगा तो आप मैच करेंगे, तो उसका लास्ट स्टेप इसका पहला स्टेप होगा क्योंकि वो उल्टा चलेगा, ठीक है ना। तो ये देखिए R C डबल बॉन्ड O O R S ऑन द एसिड कैटलाइज है, तो एसिड कैटलाइज डालेंगे पहले इसमें, ये हो गया R C डबल बॉन्ड O H, ये अपना इलेक्ट्रॉन दिया गया इसको ना, इसको मैं नीचे को लिख देता हूं आगे के लिए हमारे लिए कंफर्टेबल रहेगा, O R S, ये कैसा हो गया प्लस, वही यहीं से सही स्टार्टिंग से वही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, खाली लिखने के लिए आपके कंफर्ट के लिए, इलेक्ट्रॉन देखने के बॉन्ड बनाया खुद पॉजिटिव हो गया 10। अब क्या होगा भैया यहां पे, फिर क्या होगा दूसरे स्टेप में, क्या होगा O H H, अब आएगा H2O, क्यों H2O बाद में क्यों है, पहले ये क्यों किया, क्योंकि इसको करने से क्या होगा कार्बन पर क्या है इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई, क्योंकि ये प्लस है तो खींचता हुआ इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई तो ये अटैक करेगा ना यहां पे, तो ये टूट जाएगा, क्या बनेगा आर सी ओ एच नीचे ओ आर एस और यहां पे ओ एच एंड एच खुद पॉजिटिव हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना दे रहा ना इसको बॉन्ड बनाने के लिए, तो खुद पॉजिटिव हो गया। फिर क्या होगा इसके आगे, अब यहां से H प्लस निकलेगा पॉजिटिव है तो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, विड्रॉ किया H प्लस निकला, इसके पास वैसे एल्काइल ग्रुप भी है तो आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ना, तो H प्लस को ये ले लेगा, तो माइनस प्लस H पॉजिटिव, तो R C O H, ये O H भी न्यूट्रल हो गया ना, नीचे वाला O H और R S, ये कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, यहां से निकला हुआ H प्लस इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया उसको अपने साथ बॉन्ड क्रिएट करा दिया, ठीक है ना। अब अगले स्टेप में आप देखेंगे तो ये ऑक्सीजन पर प्लस है तो आपका गुड लिविंग बन गया है अपने आप में, तो ये ऊपर से अटैक करेगा तो ये टूट जाएगा यहां से नीचे को, ये नीचे को टूटेगा तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल आर एस ओ एच, आर एस ओ एच न्यूट्रल फॉर्म में निकल गया, ठीक है ना। और ये क्या बन गया आर सी, ये OS तो अपनी जगह ठीक है, ये नीचे टूटा तो प्लस एक इलेक्ट्रॉन देके डबल बॉन्ड O H खुद पॉजिटिव। और फाइनली क्या होगा, ये देखिए स्टार्टिंग में एसिड कैटलिस्ट डाल रखा आपने तो उसका आपका क्या होगा एसिड कैटलिस्ट का क्या होगा भैया, कंजुगेट एनायन होगा, H2SO4 है तो H+ यूज हुआ तो HSO4 बचा है, वही HSO4 क्या करेगा यहां से H+ निकालेगा, माइनस H+, तो ये बन जाएगा R C डबल बॉन्ड O O H, ये बन गया एसिड, यहां बन गया था आपका एल्कोहल, ठीक है। अब इस पूरी प्रोसेस को इस प्रोसेस के साथ मैच करना तो आपको देखिए भैया उसका लास्ट स्टेप इसका पहला स्टेप, उसका पहला स्टेप इसका लास्ट स्टेप होगा, ठीक है। ये कंप्लीट रिवर्सिबल प्रोसेस है, लेकिन बेस कैटलाइज जो आपका एस्टर हाइड्रोलिसिस होगा वो इरिवर्सिबल होता है, इस चीज को आप दिमाग में रखिएगा। क्यों वो रिवर्सिबल नहीं होता उसका मैं आपको रीजन पहले बता चुका हूं कि एस्ट्रिफिकेशन बेस की प्रेजेंस में क्यों नहीं करा पा रहे, हाइड्रोलिसिस तो करा रहे हैं बेस की प्रेजेंस में लेकिन एस्ट्रिफिकेशन नहीं करा पा रहे, क्यों उसका रीजन पहले दिए हुए, ठीक है। अब मैं आपको आता हूं दूसरा, ये तो एसिड कैटलाइज एस्टर हाइड्रोलिसिस हो गया, अब बेस कैटलाइज एस्टर हाइड्रोलिसिस में आता गया, ठीक है। यह है आर
सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर एस, इसका आप क्या करते हैं हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है। तो ये बनता है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ, सपोज बेस कोई ले लिया आपने, एनिवेज केवज कोई ले लिया, ठीक हो गया ना, एन ए प्लस आर एस ओ एच, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट क्रिएट हुआ भी है, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल नहीं बनता है, ठीक है ना। तो यहां कार्बोक्सिलिक एसिड का जो भी बेस लिया होगा उसका करस्पॉन्डिंग सोडियम पोटेशियम सॉल्ट बनेगा और साथ में अल्कोहल बनेगा, चाहे तो बाद में आप इसको क्या करें एसिडिफिकेशन करा करके एसिड में कन्वर्ट, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका मैकेनिज्म देखिए कैसे होगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर एस, इस पर आप रिएक्शन करें, इरिवर्सिबल है प्रोसेस, अब रिवर्सिबल बांट नहीं देना है, बेस कैटलिस्ट ज्यादा भी है तो ये अटैक करेगा, ठीक है ना, क्या बनेगा आर, अब ये तो OH तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है तो इजीली अटैक करेगा, क्या बनेगा यहां से CO नेगेटिव, यहां O R S नीचे OH, देन अगले स्टेप में क्या होगा, ये बैक साइड से अटैक करेगा, ये रिमूव हुआ है यहां से, ये O नेगेटिव के साथ क्या लिख सकते हैं, चलिए इसको पूरा लिख लो Na प्लस लिखा ना, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो इसका O नेगेटिव अटैक किया तो ये गया प्लस माइनस डबल बॉन्ड R C डबल बॉन्ड O नीचे क्या है OH प्लस R S O नेगेटिव, इस पर आ जाएगा R S O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। फिर क्या होगा, देखिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और ये क्या है एल्कोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, एल्कोहल्स आर वीक बेस, सॉरी वीक एसिड, आर एस ओ एच वीक एसिड होता है ना, वीक एसिड का कंजुगेट बेस क्या होगा आपका आर ओ एच में से बना हुआ आर ओ नेगेटिव क्या होगा स्ट्रॉन्ग होगा ना, वीक एसिड है तो वीक क्या है स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर का होगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर का होगा तो क्या होगा एसिड से क्या कर देगा एच प्लस को ले लेगा ना, तो उससे एच प्लस लेगा और एन ए प्लस वहां ट्रांसफर कर देगा, तो क्या बनेगा आर सी ओ ओ एन ए प्लस क्या बन जाएगा यहां से आर एस ओ एच, ठीक है। ये बन गया सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड विद द एल्कोहल, ठीक है, ये भी आपका बेस कैटलाइज एस्ट्रिफिकेशन प्रोसेस, ठीक। तो एसिड एज वेल एज बेस कैटलाइज एस्ट्रिफिकेशन प्रोसेस आपको क्लियरली आ जाना चाहिए, नेक्स्ट एक छोटा सा वीडियो बना लेंगे एमाइड के रिस्पेक्ट में, लेकिन वैसे एमाइड के रिस्पेक्ट में हम नहीं भी बनाते हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, जहां जहां एस्टर का ओ आर एस था वहां एमाइड का एन एस टू ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या है चाहेंगे तो आप किसी में एन एस टू लिखोगे तो ये NH2 हो जाएगा, और यहाँ क्या है ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना और RO यहाँ NH नेगेटिव Na पॉजिटिव, फिर यहां से एमीन बन जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। तो आप चाहो तो खुद भी बना सकते हैं, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी तो हम एमाइड के लिए भी एस्टर हाइड्रोलिसिस का एक मैकेनिज्म क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू।